नमस्कार दोस्तों, मैं आ गई हूँ फिर से लाइव 10 मिनट के लिए आपके साथ एक और पीस के विषय में बात करने के लिए, कविता के विषय में बात करने के लिए। तो जो लोग कल मौजूद थे, पहले तो मेरी आवाज़ आ रही है, मैं थोड़ा टेस्टिंग कर लूँ। मेरी आवाज़ आ रही है, कोई मुझे सिर्फ एक थम्सअप दे दे कृपया। कैन यू हियर मी? कैन यू सी मी प्रॉपरली? कैन समबडी जस्ट वेव एट मी एंड टेल मी? ओके, थैंक यू निमी, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। तो मैं कल से मैंने ये शुरू किया है, बीते कल से। हाय मिताली, मैंने बीते कल से ये शुरू किया नियम कि मैं रोज़ किसी एक पीस के विषय में बात करूँगी जो कविता से प्रेरित हो या जो कविता से उपजा हो, जिसका जन्म कविता की वजह से हुआ हो। तो कल मैं प्लीज डिस्कस किया, और ये मैं रोज़ करूँगी रात को 9 बजे सेम टाइम पे, 10 मिनट के लिए लगभग, 21 तारीख तक, 21 मार्च तक, 21 मार्च को, क्योंकि विश्व कविता दिवस है, वर्ल्ड पोएट्री डे। आई रिपीट फॉर एनी बडी हु मिस दैट। कल मैंने बात की मेरी वन ऑफ द फर्स्ट पीसेस के बारे में, जिसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि। मैंने आपको अपनी मनस्थिति के विषय में बताया, मैंने जब लिखी, जब मैंने ये डिज़ाइन किया तो उस वो कहाँ से उपजा उसके विषय में बताया, और वो एक कविता थी असल में। आज मैं जिस पीस के बारे में बात करने वाली हूँ, जिस कविता के बारे में बात करने वाली हूँ, उसका शीर्षक है एक तुम्हारा होना। एक तुम्हारा होना मेरी खुद की कविता नहीं है, ये बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही अच्छे लेखक हैं, और मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लिखते हैं। इनका नाम है महेश्वर तिवारी जी, और ये उनकी कविता है। मैंने जब ये कविता पढ़ी तो मेरी मनस्थिति, मैं आपको बताना चाहूँगी पहले कि कैसी थी मेरी मनस्थिति, क्योंकि मनस्थिति पे बहुत डिपेंड करता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके अंदर किस तरीके से उतर रहा है, किस रूप में उतर रहा है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रेम में होते हैं तो हमें प्रेम कविताएं अच्छी लगती है। उस दौरान अगर हम प्रेम कविताएं पढ़ें तो हम बहुत ज़्यादा, बहुत अंदर तक जाती हैं वैसी कविताएं उस दौरान। उसी तरीके से मुझे अब बहुत सारी कविताएं जो वात्सल्य भाव पे बनी हैं, जो, क्योंकि मेरी अब बिटिया है 7 साल की, जो वात्सल्य भाव पे बनी है, माँ के बच्चे के प्रति प्रेम के लिए बनी है, वो मुझे कविताएं बड़ी पसंद आती हैं आजकल, क्योंकि मैं शायद उस फेज में हूँ। और जब मैंने ये कविता पढ़ी तो मुझे नहीं पता कि कवि ने किस भाव से लिखी, लेकिन उस दौरान मैं थी मुंबई में, और अकेली थी, और पहली पहली दफ़ा मैं एकदम बिल्कुल अकेली रह रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं छोटे शहर से हूँ तो ज़ाहिर है माँ बापा घर पे थे। तो जब मैंने कविता पढ़ी तो मुझे इसमें बड़ी ही वियर्डली सो, मुझे इसमें अपनी माँ नज़र आ गई। आप सबको कोई और नज़र आ सकता है, लेकिन मुझे अपनी माँ नज़र आई। तो मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिएगा और बताइएगा कैसी लगी। एक तुम्हारा होना, महेश्वर तिवारी जी की कविता है, मैं फिर बता दूं। एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। अब ये तो मेरी माँ ही करती थी मेरे लिए। तो जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मुझे लगा, रही तो मम्मी है एकदम। मम्मी जब होती है ना तो ये खाली घर भी ऐसा एकदम मकान घर की तरह लगने लगता है, तो इसलिए मुझे इसमें अपनी माँ लिखी। एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। खाली शब्दों में आ जाता है ऐसा अर्थ पिरोना, गीत बन गया सा लगता है घर का कोना कोना। एक तुम्हारा होना सपनों को स्वर देता है, एक तुम्हारा होना सपनों को स्वर देता है। आरोहों अवरोहों से समझाने लगती हैं, तुमसे जुड़कर चीजें भी बतियाने लगती हैं। एक तुम्हारा होना अपनापन भर देता है, एक तुम्हारा होना अपनापन भर देता है। दैट्स इट, छोटी सी कविता है। और इससे उपजे कुछ पीसेस, क्योंकि सिर्फ, मुझे लगा सिर्फ एक तुम्हारा होना कितना अपने आप में, कितना कंप्लीट वाक्य है ये, कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। तो मैंने उसमें से केवल एक तुम्हारा होना उठाया और
मुझे लगा कि ये बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हर एक की जिंदगी में कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसके होने से खाली दीवारें घर बन जाए। मेरे लिए उस दौरान मेरी माँ थी, आज मेरी बच्ची, मेरा हस्बैंड, ये सब है, मतलब परिवार है पूरा, हंसता खेलता। लेकिन उस दौरान मुझे लगा कि ये माँ के लिए है। तो जो पीस बनाया मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये एक बुकमार्क था, एक तुम्हारा होना भी आपको इसमें उल्टा दिख रहा है, तो मैं उल्टा करके दिखाती हूँ। हाँ, ये मैं पीछे का हिस्सा दिखा रही हूँ, बट बिकॉज मिरर है इसलिए ऐसा है। थैंक यू संगीता दीदी, थैंक यू सो मच। और ये इस तरीके से किताब के अंदर जाएगा। और इससे हमने एक और बहुत इंटरेस्टिंग पीस निकाला। मैंने जब मैंने एक तुम्हारा होना लिखी, मतलब पढ़ी, तो मुझे लगा कि इसका एक और इंटरप्रिटेशन जो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है वो है अपने प्रियजन, मतलब अपने लाइफ पार्टनर के लिए। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक ऐसा अलग आइडिया सोचूं, क्योंकि मुझे लगा कि अरे काश कि ये मैंने तब बनाई होती या तब सोचा होता जब मैं प्रेम में थी, या जब मेरा मैं अपने होने वाले हस्बैंड को उस दौरान रिंग देना चाहती थी। तो मैंने कपल रिंग डिज़ाइन की, और थंब रिंग है कपल। थंब क्यों पता है? इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इसके बिना ना हाथ काम नहीं करता। तो मुझे लगा कि सब लोग इंगेजमेंट रिंग यहाँ पहनते हैं, प्रॉमिस रिंग्स यहाँ पहनी जाती हैं, क्यों ना मैं ये लव रिंग, एक प्रेम की अंगूठी जिसे कहे, उसको थंब रिंग के रूप में बनाऊं। क्योंकि थंब के बिना आपका हाथ जो है वो बिल्कुल ही अधूरा है, जिस तरीके से आपके प्रियजन के बिना। तो एक फॉर मैन और फॉर वुमेन दोनों हैं। तो ये अमरम असमी है, और ये तुम्हारा होना है। सो दैट वॉज द स्टोरी अबाउट एक तुम्हारा होना। ये एक तुम्हारा होना अंगूठे के पीछे कहानी थी। और जो लोग नहीं थे कल, उनको मैं ये बता दूं कि मैं जब भी कोई पीस या कोई ज्वेलरी बनाती हूँ तो उसके पीछे बहुत सारा थॉट जाता है। वो सिर्फ कागज़ पे उतरा हुआ एक डिज़ाइन नहीं होता है, वो एक वाक्या होता है, वो एक किस्सा होता है, या फिर कोई कविता होती है, या कोई कहानी होती है। अक्सर बहुत सारे थॉट्स ऐसे हैं जो चलते रहते हैं अंदर, जो कागज़ पे डिज़ाइंस के रूप में निकलते हैं। तो और जब मैं उन्हें फिर से देखती हूँ ना, यकीन मानिएगा, जब आप एक तुम्हारा होना फिर से देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये कितनी मैंने, आपको यकीन आने लगेगा इस चीज़ पे, और प्यार और थोड़ा सा बढ़ने लगेगा। और जब मैं अहम ब्रह्मास्मि को देखती हूँ तो वाकई में मुझे यकीन होने लगता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो इसे पहनते और देखते रहने से ना मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है। थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं कल भी आऊँगी 9 बजे, केवल 10 मिनट के लिए आपका समय लूँगी, और 21 तारीख तक रोज़ आपको इस तरीके से किसी एक वाक्य के बारे में या किसी एक कविता के बारे में, जहाँ से वो पीस उपजा, उसके विषय में बात करूँगी। थैंक यू, नमस्कार, सी यू सून।